अमित कलेक्शन, जहां मिलेगी आपको शानदार कपड़ों की अनुपम श्रृंखला, जीन शर्ट से लेकर अंडर गारमेंट्स तक। हमारा पता है मयूर होटल के सामने, लिंक रोड, सागर। सागर जिले में 1 लाख रुपए देकर 60 लाख रुपए वसूलने वाले सूदखोरों पर गढ़ाकोटा थाने में मामला दर्ज हुआ है। शिकायत पर पुलिस ने सूदखोर सुल्टू ठाकुर और दिगपाल ठाकुर के खिलाफ धारा 294, 506, 34 और मध्य प्रदेश रेडियो का संरक्षण अधिनियम 3-4 के तहत मामला दर्ज किया है। सूदखोर किसान को उधार पैसा देकर चक्रवृद्धि ब्याज लगाकर वसूली कर रहे थे। बता दें कि 8 अप्रैल को पैसे के लेन देन को लेकर गढ़ाकोटा में गल्ला व्यापारी के घर में घुसकर चाकूबाजी की गई थी। इस मामले में भी आरोपियों का सहयोग करने पर सुल्टू और दिगपाल पर धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया था। इसके बाद एक पीड़ित ने सामने आकर इनके खिलाफ थाने में शिकायत की थी। फुलर गांव के निवासी फरियादी भानु प्रताप कुर्मी ने पुलिस को बताया कि वो किसानी का काम करता है। उसने करीब 10 से 12 साल पहले गढ़ाकोटा के सुल्टू ठाकुर से 50,000 रुपए और दिगपाल ठाकुर से 50,000 रुपए उधार लिए थे। उसके बाद दोनों चक्रवृद्धि ब्याज से पैसे वसूलते रहे। साल 2012 में पैसे चुकाने के लिए जमीन अपने रिश्तेदारों को बेची और ब्याज के 35 लाख रुपए दोनों को दिए। इसके बाद भी हर साल फसल पर करीब 1 लाख रुपए ब्याज के रूप में देते रहे, लेकिन उनका ब्याज कम ही नहीं हुआ। ब्याज के पैसे नहीं देने पर डराते धमकाते हैं। 8 अप्रैल को बाजार में सुल्टू ठाकुर मिला और ब्याज के पैसे मांगने लगा। जब उसने कहा कि पूरा पैसा दे देंगे तो उसने गाली गलौज की, साथ ही पैसा नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। इन लोगों से परेशान होकर उसने शिकायत की। भानु प्रताप फलर ग्राम मल्ल भागीरथ पूर्वी पटेल फलर से मैं बोल रहा हूँ। सुल्टू बाबू और राजपाल दिगपाल ठाकुर ने 2012 में हमें 50,000 रुपये दिए थे, मगर इन 50,000 के हम लाखों रुपए दे चुके हैं इनको। अब तक 60 लाख रुपए दे चुके हैं, फिर भी इनने एक दिन बाजार में गोली मारने की धमकी दी। और ये लोग हमें आज भी अभी भी परेशान करते हैं। 4-5 दिन पहले भी इनने परेशान किया था, 11 तारीख को 12 को। और ये लोग जब चाहे जब भी वसूल ब्याज कराते रहे। हमने जमीन पूरी अपनी 7.5 एकड़ जो जमीन हती पूरी जमीन हमने बेच के और हमने सर पूरा पैसा चुकाओ है, लेकिन इन लोगों ने छोड़ो नहीं है। हमें जो कछु छोनो चांदी पिताजी हन को बाप दादों को थोड़ो थोड़ो मिलो तो वो भी बेचो। हमने अपनी जमीन बेची, हमने अपनी मसूर बेची, चना बेचो, पैसा चुकाओ है, लेकिन इन लोगों ने छोड़ो नहीं है। अबे एक दिन बाजार में बोल रहे थे गोली मारते हैं, अबे और ब्याज चाहने हैं। 60 लाख रुपए दे चुके हैं हम जब से 2012 से, 10 साल हो गए। इन लोगों ने इतना परेशान किया जिसका पार नहीं है। ऐसे गोली में ये दो लोग तो हैं ही मेन, और वो खत्म होगा राजू साहू। बहुत से लोग बहुत से परेशान हैं, पूरी माने हर गवैयों के हर लड़का परेशान है। हम जैसे ऐसे किसान कर रहे हैं, पूरी तहसील ही हो, पूरे जितने गांव हैं वे सब हम लूट खा रहे हैं। कहाँ कर पाते जितनी धमकी देते सर के, कुछ नहीं गोली मार देंगे सीधी, सब डरों के मारे कुछ नहीं कर पाते सर। वो तो अब पक् पसीना कर लो कि जो कुछ होने आ तो हो जाए। बाल बच्चों को तो जो कुछ 3 एकड़ बार की होना ही के नाम भाती 1.5 एकड़ 7.5 एकड़ हमारी बिक चुकी है सर। वही मामले की जांच कर रहे रहली SDOP अनुराग पांडे ने बताया कि पुलिस सूदखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। 50,000 रुपए देकर 60 लाख रुपए की वसूली करने वाले दो सूदखोरों पर मामला दर्ज किया है। ब्याज की वसूली करने इनके द्वारा चाकूबाजी भी की गई। फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। गढ़ाकोटा थाना अंतर्गत सूदखोरी के बहुत सारे मामले हैं और सूदखोरी का धंधा सुल्टू उर्फ महेश, दिगपाल ठाकुर एवं इनके गुर्गे चलाते हैं। परिस्थितियाँ ये हो गई हैं कि सूदखोरी की वसूली के लिए चाकूबाजी करके आदमी को घायल कर लिया गया, 307 का मुकदमा कायम हुआ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनने 50,000 रुपये दिए और इनने 60 लाख रुपये उन तक वसूल कर लिए, उनकी ज़मीनें बिकवा दी। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई उनके विरुद्ध की जा रही है और जो जो लोग अब उनके निर्भय होकर रिपोर्ट कर रहे हैं उनकी कायमी अपराध कायमी की जा रही है। इनके द्वारा क्षेत्र में कई लोगों से इस तरह की कार्रवाई की गई है जो डर के मारे रिपोर्ट नहीं करते, लेकिन अब उनमें हमने विश्वास दिलाया है, पुलिस प्रशासन ने विश्वास दिलाया है कि आपका अगर इतना पैसा 50,000 का आपने 60 लाख रुपये पेमेंट किया है तो ऐसी परिस्थिति में हम पुलिस प्रशासन आपके साथ रहेगा और किसी भी कीमत पर ये सूद पूरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
अभियान के रूप में चलाई जा रही है। इस संबंध में रैली थाना गड़ाकोटा में बहुत सारे मुकदमे पंजीबद्ध हुए और उनके तहत इनके द्वारा जो चाकूबाजी की गई है सूदखोरों ने, जो फर्जी रजिस्ट्रियाँ की गई हैं, फर्जी रजिस्ट्री के माध्यम से लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है, उस सबकी विस्तृत जाँच की जा रही है। ठोस साक्ष्य आने पर कार्रवाई की जा रही है। जो आए एक बार वो आए बार बार। जी हाँ, अमित कलेक्शन एक बार सेवा का अवसर जरूर दे। फैंसी जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं फॉर्मल शर्ट, ट्राउजर, कैफ्री, कुर्ता, पजामा, बेल्ट, चश्मा, घड़ी, अंडर गारमेंट, सभी प्रकार के कपड़ों की अनुपम श्रृंखला। हमारा पता है अमित कलेक्शन, मयूर होटल के सामने, लिंक रोड, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 8889022774 9302314729।